मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सेना ने जैश के 2 आतंकी किए गिरफ्तार, 7 लाख कैश भी बरामद। एक्ट्रेस कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच की मंजूरी, मुंबई पुलिस को जांच करने के लिए मिला आदेश। कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलकर दिल्ली पहुंची पहली किसान रेल, किसान रेल में लाई गई 332 टन फल और सब्जियां। कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार, अब तक सामने आए कोरोना के 2,83,00,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 9,13,259 मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही, अब तक 1,96,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 65,87,970। देश में कोरोना ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 96,760 नए केस, 1,213 लोगों की मौत, अब तक 35,39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से भीषण तबाही, अब तक सामने आए कोरोना के 9,90,000 से ज्यादा केस, 7 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिले 4,308 नए केस, 28 लोगों की मौत, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,05,482। हरियाणा में एक दिन में मिले 2,591 नए केस, 25 लोगों ने गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 85,944, अब तक 66,705 से ज्यादा मरीज रिकवर। सोनीपत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में सामने आए 171 नए मरीज, जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,000 के पार, अब भी 1,280 केस एक्टिव। रेवाड़ी में वृद्धाश्रम में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, आश्रम में 13 में से 9 बुजुर्गों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी बुजुर्गों को किया गया क्वारंटीन। यमुनानगर के जिला उपायुक्त ने सिविल सर्जन के साथ मिलकर yanr.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, इस वेबसाइट पर SRF नंबर डालने से COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट घर बैठे मिल जाएगी। रोहतक किलोई गांव में गुमाना रोड पर मौजूद एक खाली प्लॉट में 60 साल के एक बुजुर्ग का शव मिलने से अड़कंप मच गया है, मृतक की पहचान आजाद सिंह नंबरदार के रूप में हुई। भवानी खेड़ा में 28 अगस्त को हुई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, पुलिस के मुताबिक मृतक श्रीकांत की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी, बता दें कि श्रीकांत की हत्या के बाद उसका शव लोहारी लाठी के सुई लिंक ड्रेन पर मिला था। बिजली विभाग में क्लर्क और जेई के ट्रांसफर पॉलिसी का बिजली कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी यूनियन नेता बलवीर सिंह रंगा ने कुरुक्षेत्र सर्किल सेक्रेटरी के सामने ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध किया है। सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारी लामबंद हो गए हैं, बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटने की चेतावनी दी। यमुनानगर में 15 साल में बिजली निगम ने किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन अलॉट नहीं किया, जिस पर उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम के चेयरमैन ने संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जींद के सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों ने छलकाए जाम, पुलिस ने मौके पर छापा मारा है, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, डिप्टी सीएमओ ने कहा मामले की जांच की जा रही। फतेहाबाद पुलिस ने 23,000 नशे की गोलियों के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, पकड़ा गया आरोपी हिसार के गांव पीरांबाली का रहने वाला है, पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। महम में शादी के बाद डोली में विदा हुई दुल्हन का फिल्मी स्टाइल में गांव के ही दबंगों ने अपहरण कर लिया था, जिसे लेकर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और गांव से पलायन करने की बात कही। पलवल में पुलिस ने होमगार्ड की नौकरी कर रहे 30 वर्षीय व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत के मामले में परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया और विभाग से आर्थिक मदद और नौकरी की मांग की है। पलवल में अवैध संबंधों के चलते लाठी डंडों से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पुलिस ने मामले में मृतक के भाई के शिकायत पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। महम के बाईपास पर युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान हिसार जिले के सातरोड निवासी के रूप में हुई है, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, हत्या केस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है।